तेदेशो जी, तुहानू किसी भी चीज़ के लिए ना माफ़ी मंगने की कोई लोड़ नहीं, मैं सब कुछ समझदा। तो हाँ, तुसी ना बार बार शुक्रिया भी ना कहो, तुसी अपना हिसाब ना पूरा करता है। मैं समझी नहीं, हिसाब? हाँ जी, होमो मासी दे सामने ना इस नकली ब्याह का चंगी तरह नाटक करके ना तुसी बहुत वधिया कीता है। नहीं तो मोमो मासी तो कोई गल होना तो उन्होंने हैंडल करना कोई आसान गल नहीं। देशो जी, मेरी एक शर्त। शर्त? हाँ जी, तुसी मैनू प्रोमिस करो कि तुसी हमेशा ना इदा ही हंसते रहोगे ते फालतू दी चीजा सोचने से ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, हर मोमेंट इंजॉय करो। मंजूर है? ठीक। ते देशो जी, एक होर शर्त। होर की? आ रोज रोज दा बेड सोफा आ टर्न्स वाला ड्रामा ना बंद कर दे। देशो जी, तुसी कंफर्टेबल हो ना? की सोच रहे हो तुसी? तुहानू कोई परेशानी तो नहीं मेरे इत्थे हुण तो? नहीं नहीं सर जी, मैं ठीक हाँ। जे कोई भी परेशानी है ना, मैं जाके गेस्ट रूम च सो जाना, सारे अंदर सोन तो बाद आई एम श्योर मासी जी नू पता भी नहीं चलना। नहीं नहीं, थानू इन्ना खतरा चुकन दी कोई लोड़ नहीं है। मैं क्या ना, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। चलो ठीक है फिर, तुसी फिकर ना करो, मैं सोफे ते सो जाना। नहीं सर जी, ए थोड़ा कमरा है, तुसी इत्थे बैठते सो, मैं सो जाऊंगी सोफे ते। देशो जी, मैं थानू क्या ना, चुपचाप बैठते सो जाओ। सर जी, मैं थोड़ी कोई जिद नहीं मननी, मैनू नींद नहीं आनी है बैठते। मैनू तो बहुत वधिया नींद आएगी सोफे ते। सर जी, मैं क्या ना, मैं नहीं सोना बैठ। तुसी नहीं मनना? मैं थोड़ी एहो जी कोई गल नहीं मननी। ठीक है फिर, मेरे को एक होर वधिया आइडिया, एक दिन मैं सोफे ते सोया करूंगा, दूजे दिन तुसी। मेरा कहने का मतलब है कि तुसी ना बैठते सोया करो ते मैनू सोफे ते सो लैण, मैनू तो बहुत कंफर्टेबल लगता है ते मैनू नींद भी बहुत चंगी आती है, पर मैनू लगता है कि तुहानू चंगी नींद नहीं आती होगी। नहीं नहीं सर जी, ऐसा कोई भी गल नहीं है। फिर तो ठीक है देशो जी, हुण प्लीज ना ना करो। ठीक है, अब हुण मैं दफ्तर लई तैयार हो जा। ओ देशो जी। सर जी, तुसी मैनू दफ्तर लई तैयार नहीं होण देना, अज दफ्तर विच बहुत सारी जरूरी मीटिंग्स ने। मैं उही कहण लगा सी, अज साडी ना बोर्ड मैंबर्स दे नाल मीटिंग है, तुसी तैयार रहो। ठीक। पता नहीं किथे है, रब जाने इस बेवकूफ ने समान किथे रखता है, मैनू समझ नहीं आउंदी कंपनीज इहो जी इनएक्सपीरियंस इंटर्न्स नू रखदे क्यों ने। ना कोई तजर्बा ते ना ही कोई अकल, सीनियर्स नू तंग करन आउंदियां ने। सर, तुहाडियां सारियां फाइल्स इत्थे है ते तुहाडे पेन इस पेन स्टैंड च, ते सर जिन्नी भी फाइल्स है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स चे, ते सर तुहाडे स्टिकर्स ओ भी कंप्यूटर सिस्टम दे पीछे। तू किसी होर चीज़ ना पंगा देन लिया, कोई होर छेड़छाड़ तो नहीं कीती? हाँ सर, ओ कंप्यूटर च। की? तू मेरे कंप्यूटर छेड़छाड़ कीती है? तू पागल हो गई है? सर सर रिलैक्स, तुहाडा कंप्यूटर नहीं, ओ ऑफिस दा कंप्यूटर, तुहाडे कंप्यूटर नू तो मैं हाथ भी नहीं लाया, बस साफ किया सी। पता नहीं है कुड़ी होर की करेगी। नहीं नहीं सर, मैं बस फाइल्स नू डेट्स दे अकॉर्डिंग अरेंज किया, ते तुहानू फाइल्स मिलदी नहीं सी, ताई करके मैं आ किया। मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं सी हो रही, मैं चंगा बड़ा काम कर रहा सी अपना। सर तुसी ना मैनू काफी केयरलेस पर्सन लगदे हो, बाकी पता नहीं। केयरलेस? दिखा मैनू की किया तू, सारियां फाइलां कित्थे, दिखा मैनू। माय प्लेजर सर, चलो। बस एक बार ना सारा कुछ दोबारा ऑर्डर च वापस आ जाए, then I will make sure तेरा ऑफिस चे लास्ट डे होएगा। मासी जी, थानू कुछ चाहिदा? मैं obviously होर असे इत्थे क्यों आना सी, साडे पिंड दे कुछ गेस्ट आ रहे ने जिन्हां ने साडी डॉटर इन लॉ नू देखना है जो कि तू है। ठीक है, मैं शामी दफ्तर तो छेती आ जाऊंगी। नो, तू आज ऑफिस ही नहीं जाएंगी। मासी जी, मेहमान रात नू तो रुकन गई, मैं दफ्तर तो छेती आ जाऊंगी, हले मेरा दफ्तर जाना बहुत जरूरी है, आज शामी मेरी पूंजीकारा नाल मीटिंग है। रूपी, तू देख रही है ना, साडी कोई इज्जत नहीं है, एक ते ब्याह ते किसे नू इनवाइट नहीं कीता, उपरों जी ओ घर आ रहे आ स्पेशली इनू मिलन वास्ते, मैं ना सारे नू की कहांगी।
ਦੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ੈਫ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਤੇ ਆਫਿਸ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਲਿਟਲ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਟਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਰੁਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਡ ਫੂਡ, ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਏ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਈ ਨੀਡ ਡਾਕਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਮੀ ਟੂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਫਿਸ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਸਟਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਆਓ। ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਨੋ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ। ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਰੂਪੀ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੀ? ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ੈਫ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਤੇ ਆਫਿਸ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਫਿਸ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਸਟਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅੱਜ
ते हैदली मेनू थानू सफाई देने की तो लोड़ नहीं है ना। नहीं पर असी मीटिंग्स दा की करांगे, अज बोर्ड मेंबर्स ते क्लाइंट्स दोवां दे नाल मीटिंग्स ने, ते इन्वेस्टर्स ने भी तुहाडे नाल गल्लां करनियां ने। हाँ जी मैनू पता है, ते मैं मीटिंग तो पहला आ जाऊंगी, मैं अरमान नू सब कुछ समझा दूंगी, वो प्रेजेंटेशन तैयार रखेंगे। चलो ठीक है, तुसी अपना मी टाइम इंजॉय करो। शुक्र है इन्होंने कुछ पूछा नहीं, वरना मैनू झूठ बोलना औखा हो जाता। हाँ जी थोड़ा ऑर्डर पूरा हो गया, तुसी फिकर ना करो, डब्बे थोड़े घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। तुसी पहले ही बहुत मैडम जी रुझे पए हो, तुसी रसोई दी फिकर ना करो, सारे काम हो जाएंगे। कोई गल नहीं, तुसी फिकर ना करो, मैनू दफ्तर ते रसोई दा काम इकट्ठे करन दी आदत है। लिया मुझे मासी जी चाहते ने कि मेहमान मेरे हाथ का बनया खाना खान, तो मैं जरूर बनाऊंगा। पर मैडम जी मैनू ना रणबीर सर तो अलावा किसी होर ना रसोई च काम करन दी आदत नहीं, एक मैडम जी ओही ने जेडे रसोई च आंदे ही रसोई च कब्जा करके बह जांदे। बस थोड़े दिनों दी गल है। की मतलब है थोड़े दिनों दी गल है? मासी जी थोड़े दिन मतलब कि मलकीत सिंह जी थोड़े दिनों तक आदत पै ही जाएगी मेरे नाल रसोई संभालन की। हाँ घर की डॉटर इन लोगों को पता होना चाहिए है व्हाट इज हैपनिंग इन द किचन। एंड वन मोर थिंग, अपना होटल टाइप खाना ना बना दी, साडे रिलेटिव ना बहुत सिंपल लोग ने, उन्होंने ट्रेडिशनल पंजाबी फूड ही पसंद है। सब्जियां फड़ा दो। हाँ दिशो। हेलो अरमान, अज ना मैं दफ्तर आने थोड़े जी लेट हो जाऊंगी, बिल्कुल मीटिंग तो पहला ही पहुंचांगी, तो अज की प्रेजेंटेशन थानू संभालनी पैनी है। ठीक है कोई गल, मैं सब कुछ ना थानू फोन पे दस दिनी हां, तुसी नोट कर लो। मेरे को ना पेन ते पेपर नहीं हैगा, तू वेट कर। एक मिनट, मैं फोन ते गल ते नोट ना इकट्ठे नहीं कर सकदा, तू एक काम कर, मैं फोन स्पीकर ते लाउन लगा, सब कुछ नाल नाल नोट करी जा। ओके सर। हाँ जी बोलो। हाँ जी अरमान, ने सब कुछ ना मीटिंग तो पहला तैयार हो जाना चाहिए। हाँ सब हो जाएगा तैयार, पर चंगा होंदा तो एक बार इत्थे आके दर्शन दे दिंदी, कि काम किवें चल रहा एक बार देख भी लेंदी। पर चल कोई गल नहीं, तुसी तो अपने नवे परिवार च बड़ा बिजी हो ना, कोई गल नहीं। तू इत्थे खड़ी खड़ी की घूर रही है? थोड़ा नहीं लगता तुसी देशु मैम नाल थोड़ी रूडली गल कीती। तू की लेना विचों, कोई काम है तेरा इत्थे, जाके प्रेजेंटेशन बना, सारा कुछ नोट कर ही लिया ना? जी सर। नाले सच प्रेजेंटेशन जल्दी बननी चाहिए है, सो दैट कि मैं मीटिंग तो पहला एक बार रीचेक कर सका उन्हों, लगी समझ? ओके सर। तुहानू भी तुहाडे व्याह दी बहुत बहुत बधाई होवे, एंड आई एम सॉरी मैं लास्ट टाइम तुहाडी ब्राइड नू मंडप च लै गया सीगा, पर जदों मैनू पता लगा कि तुहाडे बच्चे दी माँ बनन वाली है तो मैं उन्हें वापिस भेजता सीगा। आफ्टरऑल मैं किसी बच्चे की रिस्पोंसिबिलिटी क्यों लवा, मतलब ही नहीं बनता। बट चलो हूँ सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ अपनी जगह से सही है। की गल अरमान, तुसी इन्ने गुस्से च क्यों हो? तुहाडा तो सिंपल नाल विआह हो ही गया, नाले तुहाडी एक्स वाइफ
देशो का भी तो सिर तो बोझ घट गया। हाँ जी की हाल चाल ने? तेरी हिम्मत कितना हुई इतने आने की? तू शायद भूल गया है ऑफिस ना मेरी फैमिली का ते नाले असली खून असली होता है। मेरा जदों दिल चाहूगा मैं इस ऑफिस में आवांगा ते ए ज्वाइन भी करांगा। आज तो तू मैनू रिपोर्ट करेगा। मैं तेरे वर्गे धोखेबाज बंदे की कभी कम नहीं कर सकता। तेनू रखूगा भी कौन? पिछली बार तो मैं तेनू कुछ कहा नहीं क्योंकि सारे सामने सी। मैनू यह समझ नहीं आ रहा कि तुसी इन्हू घर च वापस किवें आउण दित्ता। इहदी वजह नाल असीं बर्बाद हो गए हैं। इहदी वजह नाल असीं इस सिचुएशन विच आए हैं। हाँ इन्हू कोई साढ़े सारे पैसे वापस करे। इहदी वजह नाल देशो अज तक एक्सट्रा काम कर रही है। रैत की जे तू मेरे ते हाथ चुकया ना तो मैं भुल जावांगा सब कुछ। खैर नहीं तेरी। सर तुसी ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हाँ पर आज तो बाद मैं इस ऑफिस च काम नहीं करूंगा। अरमान तुसी इन्नी छेती आ गए? सिंपल कुछ ठंडा लेके आ बाहर बहुत गर्मी है। हाँ जी मैं लेके आनी तुसी बैठो मैं लेनी आ। अरमान सब कुछ ठीक ते है ना? क्यों की होया? नहीं मेरा मतलब तुसी आज ऑफिस तो बड़ी जल्दी आ गए। थोड़े ता ऑफिस आज भी हजे पूरे नहीं हुए। ते तेनू खुशी नहीं हुई मैं घर छेती आ गया? जे तू चाहनी वापस चल जावा। नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं सीगा। मेनू बहुत खुशी हुई है कि तुसी जल्दी घर आ गए हो। मेनू ते बेबी सानू दोहां नू ना थोड़े नाल एक्स्ट्रा अस्पताल नू मिल जाएंगे। मेनू पता है बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। साढ़े दोहां की लाइफ काफी मैसअप भी हो गई है। थानू नहीं लगता सानू दोहां नू अपने रिलेशनशिप दे विच बैलेंस लेके आना चाहिए था? इहदी लोड़ है। तो इस सब विच क्यों लेके आ रही है? मैं कोई गल कीती इस बारे? नहीं मेरा मतलब है नहीं सी बस यही कि सब कुछ ठीक तो है ना? ऑब्वियसली सब ठीक है। की होना है? कुछ नहीं। अच्छा तुसी मैनू एक गल दसो तुसी आज जल्दी घर आ गए हो क्यों ना तुहाडे लई कुछ स्पेशल बनाया जाए? तुसी मैनू ऐ दसो तुसी की खाओगे मैं हुणे बना के लैनी आ। तू स्पेशल? सिंपल तेनू पता है ना कि तू किन्नी खतरनाक कुक है। कुछ बनाउणा भी आउंदा है तेनू? हाँ ते फिर की होया? मैं इंटरनेट तो देख के सब कुछ बना लांगी। तुसी बस दसो तुसी की खाना मैं हुणे बना के लैनी आ। तू बह जा मेरे कोल इस तों वी वधिया इक आइडिया है। आइडिया मतलब खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना है? ओ नहीं इत बैठ। आइडिया है कि क्यों ना असि दोनों शॉपिंग ही चलिए। तेरी प्रेगनेंसी लिए कपड़े भी ले लेंगे एंड असि अपनी मैरिज की सेलिब्रेशन भी चंगे तरीके नाल नहीं कीती। प्लस तेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी जो आई उदों भी असि कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। चल लेट्स गो असि आ सेलिब्रेट करते हैं। फिर ना तुसी एक काम करो तुसी बस इत्थे बैठो मैं 10 मिनट से तैयार होके आई मैं आनी हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुसी न्यू इंटर्न हो ना? जी सर। वेल वेलकम टू दुग्गल फूड चेन। I hope तुसी अपना काम enjoy कर रहे हैं। Thank you sir and yes sir मैंनू इत्थे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। मैं तुहाडे नाल होर भी गल्लां करदा बट मैं थोड़ा बिजी हाँ। तुसी अर्जेंटली अरमान नू मेरे केबिन च भेज।
अरमान नू कैबिन च भेज। सर एक्चुअली मैं उन्हां नू बुला लेंदी बट ओ ऑफिस च है नहीं हले। अरमान ऑफिस च नहीं है, फिर कित्थे गया? सर एक्चुअली होया कि सनी सर आए थे। हाँ जी, की हाल चाल ने? तेरी हिम्मत कितना हुई इतने आन दी? तू शायद भूल गया, ए ऑफिस ना मेरी फैमिली दा है, ते नाले असली खून असली हुंदा है। मेरा जदों दिल चाहूगा मैं इस ऑफिस में चवांगा, ए ज्वाइन भी करांगा। आज तो तू मैनू रिपोर्ट करेगा। मैं तेरे वर्गे धोखेबाज बंदे लई कदी कम नहीं कर सकता। तैनू रखूगा भी कौन? तू मन ओए, पिछली बार तो मैं तेनू कुछ कहा नहीं क्योंकि सारे सामने सी। रैत की जे तू मेरे ते हट चुकया ना तो मैं भुल जावांगा सब कुछ। खैर नहीं तेरी। पर सर देशु मैम ने जिहड़ी प्रेजेंटेशन कही सी वो रेडी है? तुसी या मैम एक बार चेक करके मैनू दस दिओ कि सब सही है या नहीं। ठीक है, मैं देख लूंगा।